तो अब इस पर पूरी तरीके से सियासत तेज हो गई है। रेलवे की सफाई के बाद भी इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं और आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अब से बस थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। पहले गौरव भाटिया से बात करते हैं। गौरव भाई, ये स्थिति क्यों बनी? अगर कोई पैसा मजदूरों से नहीं लिया जा रहा तो फिर ये स्थिति क्यों बनी, ये सवाल क्यों उठा? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां एक तरफ केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों के साथ तालमेल बना के ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो देश में मजदूर हैं उनके लिए हर यथासंभव मदद की जाए, दूसरी तरफ सोनिया गांधी और कांग्रेस केवल छल की राजनीति कर रही है, भ्रम फैला रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूं कि सोनिया गांधी को चाहिए वो पूरे देश से माफी मांगे क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है। आपने सही दिखाया, 85% जो भाड़ा है वो तो इंडियन रेलवे दे रही है और 15% का भार प्रदेश की सरकारों पे है। और एक नोटिफिकेशन है मेरे पास, मैंने ट्वीट भी किया है, जिसमें यह साफ लिखा है कि कोई टिकट सेल नहीं होंगी, बेची नहीं जाएंगी। तो फिर कौन से भार उठाने की बात कर रही है सोनिया गांधी? ये केवल और केवल ओछी, हल्की और गंदी राजनीति है। और इसीलिए जब अब सत्य सामने आ गया है तो ये आवश्यक है कि सोनिया गांधी आज देश से माफी मांगे, कहें कि उन्होंने झूठ। ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। प्रमोद जी, ये बताइए, जब एचएमए का एमएचए का नोटिफिकेशन है कि कोई टिकट नहीं बिकेगा और साथ में कहीं कोई काउंटर नहीं खुला जहां से टिकट बिक रहा हो और राज्य सरकारों की लिस्ट पे लोगों को बुलाया जा रहा है, तो सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी किसके टिकट का खर्चा उठाना चाह रही है जब पैसा लग ही नहीं रहा? देखिए, ये बात, पहली बात तो ये है कि सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने जो कहा है उनके पास उसके सबूत हैं, वो टिकट्स हैं। इसकी जांच, गौरव भाटिया जी अभी बोल रहे थे, इसकी जांच करानी चाहिए। क्या ऐसा संभव है कि सरकार की तरफ से कोई घोषणा हुई हो और नीचे के अधिकारियों के लेवल पर ऐसा घोटाला चल रहा हो? पहली बात तो ये है। नहीं नहीं आचार्य जी, मैं इसमें एक बस स्थिति स्पष्ट कर दूं, आप टिकट की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ट्विटर पर भी टिकट डाल रहे हैं, उस पर सफाई ये दी जा रही है कि जो राज्य सरकारों की लिस्ट आ रही है कि इतने लोगों को हम ले जाना चाहते हैं इस ट्रेन में, उनको वो टिकट काट के राज्य सरकार के नोडल ऑफिसर को दिया जा रहा है, उनसे पैसा राज्य सरकार से लिया जा रहा है और वो टिकट जो ट्रेन में बैठ रहा है उसको दे दिया जा रहा है, लोगों से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। देखिए, ये सारी जो बातें हैं ये जांच का विषय है, लेकिन अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, विपक्ष के किसी नेता ने ये सवाल उठाया है तो कौन सा गुनाह कर दिया? क्या मजदूरों से पैसा लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पर सर, जब पैसा लिया ही नहीं जा रहा तो फिर उसको उठाना, सवाल बनाना, मुद्दा बनाना, मजदूरों के मन में भ्रम डालना, ये सही है क्या? दूसरा, सुशांत जी, मैं बीजेपी के दूसरे प्रवक्ता का बयान सुन रहा था, अमित मालवीय जी का, ये कौन सी भाषा है कि वो इटली जैसा हाल करना चाहती हैं? क्या सोनिया गांधी इटली की हैं? क्या सोनिया गांधी अभी भी इटली की हैं? सोनिया गांधी इटली में पैदा हुई, इटली की बेटी हैं, ये दुनिया जानती है, कोई छुपी बात है? लेकिन जब वो भारत की बहू बन के आई, ये बीजेपी का, देखिए सरकार को विनम्र होना चाहिए, सरकार को नम्रता का परिचय देना चाहिए। नहीं, अभी देखिए, सोनिया गांधी मुद्दा नहीं है सर, सर सोनिया गांधी मुद्दा नहीं है। सवाल ये है कि जब देश में इस वक्त ऐसे हालात हैं कि कोरोना से देश जंग लड़ रहा है, आप मजदूर के मन में ये भ्रम डाल दें कि पैसा लिया जा रहा है और मजदूर इससे परेशान हो जाए, ये उचित है क्या? नहीं, भ्रम डालने की बात ही कुछ नहीं है। जब मजदूरों से पैसा नहीं लिया जाएगा तो भ्रम का सवाल कहां से पैदा होता है, और यदि पैसा लिया जाएगा तो वो दूसरे तरह का कोई क्लेरिफिकेशन। गौरव भाटिया, क्या इससे मजदूर के मन में भ्रम नहीं पैदा होगा? अब जो लोग टिकट के फोटो डाल रहे हैं बिना जाने कि उसकी सच्चाई क्या है, वो तो वायरल हो रहा है। नहीं सुशांत जी, केंद्र सरकार को चाहिए कि जो सही बात कह रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दें। सही बात कह दी, मैं तो केस दर्ज गुजारिश करूंगा। मुझे लगता है कि एक नोटिफिकेशन है, प्रेस जो बात कही है वो बिना ब्यूरो ने रिलीज किया, आधार पे नहीं कही होगी, इसमें एक लाल लाइन में देखिए कुछ लिखा है, कहीं लिया गया है, क्या लिखा है, मैं पढ़ दूं दर्शकों के लिए। सोनिया गांधी पर नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन, जूम कर लीजिए, कुछ अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हो। अरे एक एक करके बोलेंगे सुशांत जी, ठीक रहेगा, घोटाला हो? नहीं नहीं, देखिए आचार्य जी,
अधिकारी के लेवल पर घोटाला अलग चीज हो सकती है, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार पैसा ले रही है और हम फ्री में दे देंगे ये अलग बात है। घोटाला और सरकार की तरफ से मजदूर का शोषण, ये दो अलग चीजें हैं। देखिए सुशांत, अगर अगर उनसे पैसा लिया जा रहा है, प्रमोद जी ने कहा, एक एक करके सर, एक एक करके शब्द कहे गए, सोनिया गांधी जी को पूरे सम्मान से मैं गुजारिश करता हूँ, ये जो भ्रम फैलाया है, आप सीधा सोनिया गांधी पर कांग्रेस पार्टी पे इल्जाम क्यों लगाना शुरू कर देते हैं? आप ये तो सोचो कि इसकी जांच करिएगा, जो सच्चाई हो उसे सामने लाए। बीजेपी की प्रॉब्लम ये है कि वो कांग्रेस में बोलिए। एक लास्ट रिएक्शन गौरव जी, क्या जांच करा लेनी चाहिए कि कहीं कोई इसमें घोटाला तो नहीं हो रहा, लोग मजदूरों को ठग तो नहीं रहे? देखिए आचार्य जी को मैं कहूंगा, पहले तो सोनिया गांधी से कहें, वो बहुत करीबी हैं सोनिया गांधी के, वो माफी मांगे, देश से उन्होंने झूठ बोला है, भ्रम फैलाया है, और वो भी इस घड़ी में जब पूरा देश एकजुट है नरेंद्र मोदी जी के साथ। दूसरी बात, घोटाला करने की आदत अगर किसी को है सुशांत जी, तो वो कांग्रेस को है, उनको हर चीज में घोटाला दिखाई देता है। मैं पूछता हूं प्रमोद जी से कि जब रुपया लिया नहीं जा रहा, कैसे वो इल्जाम लगा रहे हैं और क्या झूठा भ्रम फैला रहे हैं कि कांग्रेस के जो प्रदेश के यूनिट्स हैं वो लोग भाड़ा देंगे? मैं आपसे बता रहा हूं, आप एक मदद कर सकते हैं, अपनी जो कांग्रेस की सरकारें हैं उनसे कहिए जो उनका योगदान 15% का बनता है वो दें। और दूसरी बात, करोड़ों की निजी संपत्ति है, राहुल गांधी सोनिया गांधी ने एक रुपया अगर अपनी निजी संपत्ति, मैं ये कह रहा हूँ, अगर किसी मजदूर ने ये दर्द बयां किया होता, कोई वीडियो होता, रिएक्शन होता कि हमसे पैसा वसूला जा रहा है, तो उसको हम मुद्दा बना सकते थे, उठा सकते थे ये कैसे हो रहा है, लेकिन अपनी मर्जी से और जो जो फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं वो उससे मैच नहीं करते, तो सवाल तो पूछे जाएंगे। बहरहाल मेरे पास आज के लिए इतना ही वक्त है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है आपकी बातें सुनकर दर्शकों की मन में तस्वीर बहुत हद तक साफ हुई होगी।